केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ये अहम फैसला किया है। अब नए सेशन में किस तरह होंगे बोर्ड एग्जाम और कैसे निकलेगा रिजल्ट, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर। इस वक्त की निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी, जी हां, बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी और आज तक का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर। यदि आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले छात्र और छात्राएं हैं तो आप तमाम से जुड़ी सबसे बड़ी और आम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जाने के इस वीडियो मित्र के साथ में, तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार समय समय पर कई सारे बड़े बदलाव करी है। इस बीच बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसको जानकर काफी सारे छात्र खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, सरकार की तरफ से ऐसा ही सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, सरकार ने कहा कि इस बार आपके गणित में सिलेबस से आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। लगभग ऐसा होता है जो मैथ विषय है यानी गणित विषय, उसके अंदर लगभग ज्यादातर बाहर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और जो सिलेबस है उससे कम क्वेश्चन आते हैं। इससे छात्रों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में गणित में केवल सिलेबस आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है और छात्रों मनोबल और क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसको आप किस नजर से देखते हो बड़े बदलाव को, क्या ये बदलाव सरकार की तरफ से किया गया, ये सही है फिर गलत, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।